नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नक्षत्र और मैं हूं आपके साथ दीपा वाफिला। हम सभी जानते हैं कि सोमवार भगवान शिव का दिन होता है और इस दिन शिव को मनाने के लिए कई प्रकार के दान और चढ़ावे किए जाते हैं। तो आप भी राशि अनुसार करें भगवान शिव को प्रसन्न, जिससे मिलेगा आपको सुख शांति और अपार धन। खास जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को प्रणाम। चरत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि सर्वनाथम भजामि। सबके नाथ और इनको प्रसन्न करके निश्चित रूप से जीवन में सुख शांति और समृद्धि तीनों ही चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। अब नजर डालते हैं आज के पंचांग पर। गुरुजी, आपको बताएंगे आज का पंचांग। दिन को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रतिदिन पंचांग 10 दिसंबर 2018 तृतीया तिथि का मान लगा है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र और मार्चीश शुक्ल पक्ष का प्रभाव। राहु काल 8:02 से 9:21 तक सिद्ध है और पुनः 11:37 से शुभ समय का विस्तार 12:19 तक। शुभ समय का मतलब कुछ भी नया, कुछ भी अच्छा, कुछ भी शुभ, मांगलिक इत्यादि करने के लिए प्रतिदिन कोई ना कोई कालखंड अवश्य आता है। एक कालखंड, दो कालखंड, तीन कालखंड ये हो सकते हैं प्रतिदिन। तो आज का पंचांग मास दिवस और दिनमान और रात्रिमान मार्चीश की शुक्ल पक्ष पे पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का प्रमाण शनि चंद्र साथ में, इसकी ढेर सारी शुभेच्छा। मेष से लेकर मीन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उनको खास उपाय करने होंगे, राशियों का हाल जानेंगे। गुरु जी आपको बताएंगे आज का राशिफल। बिना किसी विलंब आप ये समझे कि किस प्रकार से आप अपनी राशि और राशि के हिसाब से अपने को निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव मानते हुए रख सकते हैं। मेष राशि वालों में पारिवारिक और इसमें विवाद, परिवार में वाद और पारिवारिक वाद विवाद, इसकी स्थिति और इसके योगादि योग दिख रहे हैं, क्योंकि नवम भाव के स्वामी और साथ के साथ बारहवें भाव के स्वामी थोड़ा जागृत अवस्था में है। अन्यथा इसके निश्चित रूप से धन के मामले में मेष राशि का प्रभाव आज अच्छा देखा जा रहा है। मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए? मेष राशि वालों को माता दुर्गा को लाल रंग की चुनरी अति प्रिय है और निश्चित रूप से सोमवार का दिन बहुत अच्छा प्रभाव। क्या नहीं करना है जरूर ध्यान देंगे मेष राशि वालों। व्यर्थ धन खर्च, इधर कुछ कौतूहल और समय इस प्रकार का चल रहा है कि बेवजह की चीज में कौतूहल रख के धन खर्च इत्यादि ना करें, हानि हो सकती है। वृषभ राशि की अगर हम बात कर लें तो किसी बात को लेके ज़्यादा उत्साही होना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता हो आकलन आपका स्वयं का गलत हो। क्या करना है? किसी गरीब को अन्न का दान करना लाभदायक हो सकता है और अन्नदानम श्रेष्ठ दानम, ये बहुत ही अच्छी बात है, इसमें भोजन भी आता है अन्नदान में। जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना, इससे आज आपको जरूर बचना चाहिए, क्योंकि जब आकलन सही ना हो तो जल्दी फैसले लेने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल भी कोताही ना बरतें और इस बात का ध्यान रखें वृषभ राशि वैसे भी शुक्र की राशि है, अच्छा प्रभाव अन्यथा इसके देखा जा रहा है। अब हम बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि की। तीन अंक का प्रभाव जीवन साथी का शुभ स्वभाव निकलेगा और साथ के साथ आपका मन भी प्रसन्न रहने वाला है। क्या करना है? बुध का प्रभाव राशि पे, राशि का प्रभाव बुध का। गणेश जी को, गणेश भगवान को मोदक बहुत प्रिय हैं, लड्डू का भोग लगाइए, आप देखेंगे अच्छा प्रभाव मिलेगा। किसी अनजान पर ज़्यादा विश्वास करना और ख़ास तौर से
रात्रि जागरण करना आज के लिए जरूर ध्यान रखें कि निषेध रखा गया है, अच्छा प्रभाव नहीं देगा। आज के दिन चाहे आपको कैसा भी तनाव हो इत्यादि, लेकिन आप नींद पूरी लेने की कोशिश भी करें, यह बहुत अच्छा प्रभाव आपको देगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। चतुर्थ राशि, कर्क राशि, चौथी राशि, अंदर आत्मविश्वास को आपको बढ़ाना पड़ेगा, कुछ आत्मविश्वास कम हो रहा है। इसके लिए क्या करें, आपको ध्यान भी और ध्यान करने की तरफ भी आपकी प्रवृत्ति अब बढ़ती जा रही है, किसी विशेष विषय की तरफ आपका झुकाव भी बढ़ता जा रहा है, तो क्यों ना ध्यान कर लिया जाए। क्या करना है, शनि देव अगर सप्तम और अष्टम के कारक हैं तो निश्चित रूप से शनि मंदिर में काले तिल का दान करना आपको इन सारी ही परेशानियों से बाहर निकाल सकता है। घर के लेकिन किसी भी कोने में अंधेरा रख, प्रकाश की व्यवस्था जहां भी आप रह रहे हैं पूरी होनी चाहिए, कहीं भी अंधेरा थोड़ा आपको दिन मान और रात्रि मान में तकलीफ दे सकता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति उस हिसाब से परिणति नहीं देगी यदि आप कुछ अंधेरा का भाग रखेंगे घर में। सिंह राशि की हम बात करते हैं, आज किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का शुभ दिन है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आप कंपटीशन इत्यादि में या प्रतिस्पर्धा किसी भी प्रकार की हो उसमें विजयी हो रहे हैं, थोड़ा सचेत रहें। उपाय के तौर पर मंगल का व्रत रखना अच्छा रहेगा आने वाले समय में, और साथ के साथ थोड़ा सा बूंदी का प्रसाद, मीठी इसी मीठा प्रसाद बच्चों में बांटे, बहुत ही शुभ संकेत मिलेगा। क्या नहीं करना है, वाहन चलाते समय लापरवाही, कोताही, किसी भी प्रकार की इररिस्पॉन्सिबिलिटी इत्यादि इत्यादि, कई शब्दों में इसको अगर हम समझा दें, क्योंकि आप सचेत रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। कन्या राशि की हम बात करते हैं, परिवार संग घूमने का विचार बन सकता है, अच्छी सुंदर सुदूर यात्रा, शुभ कार्यों के लिए धन का व्यय ये भी दिख रहा है। क्या करना है, गाय को हरा चारा आपको खिलाना बहुत अच्छा रहेगा, नारंगी रंग ये आपके लिए आज प्रतिष्ठा वर्धक हो सकता है, गुलाबी रंग भी आपको प्रतिष्ठा और शुभ समाचार देगा, ये दो रंग का आप मान रखें और इसको पहनने में, खाने में, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या नहीं करना है, आज किसी का भूल के भी अपमान ना करिए, भले ही दो शब्द वो आपको उल्टे बोल दे लेकिन आज अपमानित ना करें किसी को, थोड़ा सा सहना पड़ेगा आज। तुला राशि वालों, निवेश के लिए आज लाभदायक दिन दिख रहा है, अच्छा निवेश आप कर रहे हैं, और ये बहुत कम होता है कि निवेश के लिए शुभ समय मिलता है, आज आप कर सकते हैं। आज के दिन किसी की मदद अवश्य आपको करनी चाहिए, ये मानसिक मदद और आर्थिक मदद इस प्रकार से आप कर सकते हैं, या शारीरिक रूप से कोई पीड़ित है उसको भी आप मदद कर सकते हैं। किसी को अपना काम ना सौंपें, यानी आज अपना काम स्वयं करने के लिए उद्यत रहे, बस देखेंगे किस प्रकार से दोपहर के बाद संध्या के आसपास गोधूली वेला या प्रदोष काल के आसपास आपका अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। वृश्चिक राशि वालों, मानसिक तनाव से आज आपको आराम मिलेगा, ये बड़ी सूचना है, यानी मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव हो सकता है, मानसिक तनाव से आपको आराम मिलेगा। क्या करना है, शुभ कार्य कर लीजिए, माता लक्ष्मी को कमल के पुष्प आपको अर्पित करना चाहिए, अच्छा शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मन में नकारात्मक विचार जो आपके घेर लिए हैं उसमें उसका दरवाजा बंद कर दीजिए, नकारात्मकता को प्रवेश ही ना दीजिए, इतना कर लिए। धनुराशि की अगर हम बात करें तो आज लेन देन के समय थोड़ा ज़्यादा सावधान रहें, कुछ आपसे कोई ज़्यादा कम लेन देन की बात कर सकता है। श्री विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ वैसे तो नित्य करें लेकिन सुन भी सकते हैं, और आज तो विशेष रूप से करें तो बहुत अच्छा है व्यापार में, लेकिन आज निवेश ना करें। देखिए एक राशि का आ गया कि निवेश करना आपके लिए सलाहकारी नहीं है, निवेश करना मतलब अपने पॉकेट से अत्यधिक खर्च करना, इसको भी निवेश भी कभी कभी कह सकते हैं, किसी छोटी छोटी कार्यों में आय के नए स्रोत बनते हुए दिख रहे हैं मकर राशि वालों। तो मकर राशि का प्रभाव ये बता रहा है कि कई प्रकार के आय के नए स्रोत मिल रहे हैं, और आय के नए स्रोत के साथ साथ आपका एक मित्रों का समागम भी अच्छा दिख रहा है। क्या करना है, माता दुर्गा को बर्फी का भोग लगाएं, आप देखेंगे सफ़ेद बर्फी हो तो और ही अच्छा प्रभाव आएगा।
आपको मिलेगा। किसी से अपनी गुप्त बातें शेयर न करें। जब तक कोई विशेष जानकारी नहीं प्राप्त करनी हो तब तक आप गुप्त जानकारियां, गुप्त बातें शेयर ना करें, हर किसी से ना करें, विशेष रूप से अनजान व्यक्तियों से। ये आपको ध्यान रखने वाला है। कुंभ राशि की बात अगर हम करें, अचानक खर्चों में आपके बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन घबराइए नहीं, एकादश भाव के स्वामी जागृत हुए हैं, तो कुछ कार्य आपके जो पहले से रुके हुए थे अब वो आपके कार्य आगे बढ़ाने के लिए खर्चे होंगे। भगवान शिव का जलाभिषेक करना आज नितांत आवश्यक बैठता है कुंभ राशि के जातकों की, जहाँ तक बात है। उसके बाद हम बात अगर हम करें क्या नहीं करना है, तो साझेदारी में भी कोई भी कार्य किसी भी प्रकार का करना आज आपको बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देगा। मीन राशि की हम बात कर लेते हैं। मीन राशि अंतिम राशि, व्यापार में सफलता के योगादि योग बनते हुए दिख रहे हैं, और सफलता के साथ साथ शुभता बढ़ा लीजिए। घर के मुख्य द्वार पर दीपक आप आज जरूर प्रज्वलित करिए। आप देखेंगे सोमवार के दिन मीन राशि का यह प्रभाव अच्छे अवलोकित करेगा आपको। काले वस्त्र बिल्कुल न धारण करें। तो दर्शकों, आपने जाना बहुत जल्दी बिना किसी ब्रेक के मीन से मेष, मेष से मीन पर्यंत सारी राशियां, गागर में सागर, क्या करना है क्या नहीं करना है, कब कितना क्या, छोटे छोटे उपाय ही तो हैं। खुद भी करिए और अपने अपनों को भी कराइए। देखिए मार्ग सबका प्रशस्त करिए, आपके जीवन में सुख की प्राप्ति। अब जानते हैं कि आज सोमवार है और सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन भगवान शिव का होता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के उपाय क्या है, राशियों के अनुसार गुरु जी आपको बताएंगे कि कैसे भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। भोलेनाथ शिव जी वैसे तो आशुतोष बोले जाते हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी, कितना दान दे देते हैं, जरा सी बात में प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन राशि अनुसार यदि करें तो क्या मजा आ जाएगा। मेष राशि वालों, बेलपत्र पे भगवान श्री राम का नाम लिख के ओम नमः शिवाय लिख के आप चढ़ाएं तो बहुत ही शुभ रहेगा। दूसरा उपाय वृष राशि वालों के लिए, तुलसी मंजरी दूध और शर्करा मिश्र जल आपको चढ़ाना अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले, हरे वस्त्र और हरे फल का दान यदि करते हैं सोमवार को शिव जी के नाम से तो बहुत अच्छा। कर्क राशि वालों को जल, दूध, दही, गंगा जल से अभिषेक करना बहुत लाभान्वित करता है। सिंह राशि वाले, लाल पुष्प यदि चढ़ाकर शिव माहिम स्तोत्र का पाठ कर लें तो इनके सारे पापों का नाश होता है। कन्या राशि वालों, अगर दूध और शहद से शिवलिंग का अभिषेक आप करें तो निश्चित रूप से आपको संपत्ति की प्राप्ति होती है। तुला राशि वाले, दही और गन्ने के रस से अभिषेक करने से पुत्र संतान इत्यादि सबके लिए बहुत अच्छा होता है। वृश्चिक राशि, गंगा जल और दूध से शिवलिंग कर और अभिषेक करना इनके लिए शुभ रहेगा। धनु राशि वालों के लिए दूध में केसर मिश्री व हल्दी से अभिषेक करना स्वास्थ्य और इनका दैनिक दिनचर्या के काम बनाएगा। मकर राशि, घी शहद और दही के मिश्रण से अभिषेक करें। कुंभ राशि वाले, तेल से अभिषेक करें और शिवलिंग पर धूप चढ़ाएं, निश्चित रूप से इनके लिए वृद्धि, व्यापार में वृद्धि। मीन राशि वाले, कच्चे दूध व हल्दी मिलाकर शिव जी को यदि अर्पित करते हैं तो ये थोड़ा सा आपने जल्दी 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 देखा समझा किस प्रकार से आशुतोष को राशि वार प्रसन्न किया जाए। अब किस प्रकार से ये करते हैं और इसमें अलग अलग स्तुतियां भी हो सकती हैं। जैसे अगर आप अपने विचारों को व्यक्त करने में सक्षम नहीं हैं, ये बहुत लोगों के साथ होती है समस्या, तो सोमवार वाले दिन किसी भी राशि के हों, कैसा भी हो, शुद्ध जल, उसमें गंगा जल मिश्री और थोड़ी सी उसमें हल्दी, पीली और काली हल्दी भी आती है, वो दोनों मिश्रित करके ओम नमः शिवाय का एक माला जाप यदि करते हैं सोमवार से शुरू करके और कम से कम 40 सोमवार ये करना बहुत अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से इसी बीच में आपको और वाक शक्ति भी आपकी उन्नत होती है। इसके साथ साथ आप यदि देखें अलग अलग समस्याओं के लिए, जैसे मान लीजिए अगर इस प्रकार की जो भी पदार्थ होते हैं, पदार्थ हैं माता भवानी पार्वती माँ और शिव जी हैं शिव जी, तो शिव जी और पार्वती इनका यानी प्राकृतिक और शक्ति इनके मेल से ही निश्चित रूप से जीवन में कल्याण होता है। राशि के हिसाब से करने से, और राशियां यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चंद्र राशि से संबंधित भी हैं और लग्न राशि से भी संबंधित हैं, लेकिन खास रूप से अगर हम देखेंगे तो चंद्र राशि जरूर ध्यान कर लें, जान लें,
और तब उसके हिसाब से करने, और प्रत्येक कार्य को करने का कुछ मंशा होती है, वो मंशा अलग अलग राशियों के हिसाब से अलग अलग होती है। अगर हम बात करें सिंह राशि वालों को, तो लाल पुष्प और शिव महिम स्तोत्र चढ़ा के पापों का शमन होता है, प्रगति होती है समाज में। कन्या राशि वालों के लिए दूध और शहद से अभिषेक करने के साथ साथ इनको प्रॉपर्टी इत्यादि और रियल इस्टेट में फायदा होता है। तुला राशि वाले अगर करते हैं दही और गन्ने के रस से, तो संतान की तरक्की के लिए बहुत ही शुभ रहता है। वृश्चिक राशि वाले अगर गंगा जल और धूप से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो ज्ञान की वृद्धि और सम्मान की वृद्धि होती। धनु राशि वालों के लिए दूध में केसर मिश्री हल्दी करने से इनको कई प्रकार के लाभ होते हैं, संबंधित इनको अच्छा प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। साथ के साथ इनको उस ये कार्य करने से उनके शारीरिक सौष्ठव और शारीरिक तनाव भी दूर होते हैं। मीन राशि वाले कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर शिव जी को अर्पित करते हैं, तो लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति होती है। और यदि इसमें ही अगर कोई भी राशिवार विशेष रूप से अगर सोमवार के हिसाब से करता है बताए हुए, अगर जो बताए हुए आप लोग देख रहे हैं, तो अगर विवाह की समस्या आ रही हो, विवाह जल्दी अच्छा नहीं मिल पा रहा हो, तो स्त्री जातक ये भी कर सकती हैं अपनी राशि के हिसाब से उनको अच्छे, क्योंकि शिव जी और माता पार्वती ये दाम्पत्य जीवन का उत्कृष्टतम सर्वोत्कृष्ट उत्तम उदाहरण मिलता है। और अगर इस प्रकार से करते तो आपस में यदि विवाहित हैं तो कलह भी दूर होती है। जरूरी है कि दोनों पुरुष स्त्री अपनी राशि के हिसाब से बताए गए तरीके पे। और एक बात, यदि सोमवार को प्रदोष पड़ जाए तो बहुत ही सोने पे सुहागा हो जाता है। साथ के साथ सोमवार की यदि संध्या काल आप ये करें, जिसको प्रदोष काल भी बोल दिया जाता है, पंचांग देख लीजिए हर दिन मिलता है आपको, तो ये भी आप करके आप लाभान्वित हो सकते हैं और आपको आनंद की प्राप्ति हो सकती है। फिर इसके साथ साथ यदि साढ़े साथी इत्यादि या ढैया इत्यादि के प्रकोप में हैं या काम अटक रहे हैं, तो भी महादेव की शरण में जाके ये करने से सारे ही कार्य आपके बहुत ही अच्छे प्रकार से हो जाते हैं। ये भी ध्यान करने वाली बात है कि मुख ये सब करते हुए, ये सारी पूजाएं स्तुतियां करते हुए मुख आपका ईशान की तरफ हो। ईशान मतलब नॉर्थ ईस्ट, इसीलिए कहा गया है नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। इस प्रकार से निराकार और साकार दोनों ही ब्रह्म हैं, भगवान भोलेनाथ, भूत भावन भोलेनाथ। और इस प्रकार से उनकी स्तुति करके धन वैभव ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा सामाजिक शांति सुरक्षा सामाजिक उन्नति, इस प्रकार के ना जाने कितने प्रकार के आपको लाभ मिलते हैं। लेकिन जरूरत होती है क्या, जैसा मैंने पहले बताया, आशुतोष है ये श्रद्धा। वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणों याभ्याम बिना न पश्यन्ति स्वान्ता सा। इस प्रकार से कहा गया है, बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि न यावत उमानाथ पादारविंदम भजंती हैं लोके परेवा नराणम न तावत सुखम शांति संताप नाचम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। इसलिए भोलेनाथ की कृपा से ही सारी चीजें संभव होती हैं। आपको हार्दिक शुभेच्छा। अब चलिए वक्त हो चुका है कॉलर्स के साथ जुड़ने का, कॉलर से सवाल लेने का। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं संतोष झा धनबाद से। संतोष जी अपना सवाल पूछिए। जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। जी उसका जन्म हुआ है 22 अगस्त 2017 में। जी दोपहर 1:24 पे। जी सवाल पूछिए। मैंने उसका गंडमूल का पूजा नहीं कराया है और जब से जन्म हुआ है उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। उसका पढ़ाई लिखाई का फ्यूचर कैसा होगा, थोड़ा इसी के बारे में जानना था। जी बिल्कुल, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है और संभवतः जब मूलों क्या होता है तो इसमें शुभ मूल भी होते हैं अशुभ मूल भी होते हैं। मूलों का मतलब केतु के छह नक्षत्र, केतु और बुध के छह नक्षत्र जो होते हैं इसमें होने वाले अगर जन्म होता है चंद्र राशि के हिसाब से तो मूल बोल दिया जाता है और गंड मूल इससे भी ज़्यादा और आगे का एक स्टेप की बात है। यदि आपको ये पता है तो आपका पूजन करना निश्चित रूप से ज़रूरी है, और अगर आपने अभी नहीं किया है तो इन सब चीज़ों के बारे में जैसे ये उपाय होते हैं वैसे ये पूजाएँ होती हैं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आपको ये
ये नहीं कि बचपन में नहीं किया तो बाद में नहीं कर सकते, इसका आप निश्चित रूप से किसी योग्य व्यक्ति से आप इसको पूर्णतया करवा सकते हैं। लेकिन मुहूर्त का विवेचन जरूर होना चाहिए और जन्म की तारीख के आसपास यहाँ पे भी ये होना चाहिए, इस प्रकार से आप करवा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कराने के बाद निश्चित रूप से यही उपाय ही हो जाएगा आपके लिए स्वास्थ्य, कभी कभी गंडमूल नक्षत्र की पूजा ना हो पाने की वजह से स्वास्थ्य देखा गया है बहुत लंबे समय तक खराब रहता है, आप इसको कराइए और केतु और बुध से संबंधित आप दान करिए बच्चे के नाम से, तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। अब अगले कॉलर अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से। अमित की माता जी सवाल करेंगी अमित के लिए। जी अपना सवाल पूछिए। हाँ, ये इनका डेट ऑफ बर्थ है 2/1/1971 और वो जब से काम कर रहे हैं तब शरीर में इनका कष्ट नहीं रहता है, उसके बाद में वो कष्ट से बहुत जूझ गए हैं, अभी उनका काम भी बंद हो गया है, वो कपड़े के व्यापारी है। शनि से शनि कसम, ठीक है आपका प्रश्न ले लिया है, समझ गए आपको कर्ज का और इसकी समस्या आपकी जो दिख रही है वो निश्चित रूप से शनि दशम का और नवम का जब प्रभाव आ जाता है तो, लेकिन एक चीज जरूर है कर्जे में अभी डूब जरूर गए हैं, लेकिन 9 महीने 17 दिन इसके आसपास का समय अभी से नोट कर लीजिए, इतने समय में ये निकलने की भी संभावना बन रही है कर्जे से, तो बहुत कर्जे को लेके बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, किस प्रकार से आपको काम करना है, क्या आपको प्रयास करने हैं, इसके लिए आप जरूर सोचिए और कर्ज वगैरह को निपटाने के लिए भी जो आपके लिए शुभ महीने हैं वो मार्च का महीना आ रहा है, कुछ दिसंबर और फरवरी का भी है, साथ के साथ अगस्त और सितंबर भी है, थोड़ा सा जहां से भी आपने कर्ज लिया है उनसे समय मांग लीजिए बताए हुए समय का, और इसके साथ साथ मंगल ऋणमोचन स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और इसके साथ साथ आप गाय बछड़ा का चित्र नहीं तो मूर्ति ला के अपने घर में पश्चिम की तरफ स्थापित करिए, देखिए आपको सब प्रकार से लाभ होने की संभावना बनेगी, अन्यथा इसके कोई भी आपके पास प्रश्न हो तो आप पुनः संपर्क करें। अब अगली कॉलर से हमारे साथ बीना उत्तराखंड से। बीना जी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम, प्रसन्न रहिए, आशीर्वाद। हाँ जी गुरु जी, मेरी जन्मतिथि है 20 जनवरी 1986 रात के 12 बजे। जी सवाल अपना पूछिए। जी जी, मेरे दो प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मेरी दूसरी जॉब टीचिंग डिपार्टमेंट में लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि मैं टीचिंग में ही जाना चाहती थी, और जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि मेरा मेरे हस्बैंड और वाइफ हम दोनों की नहीं बनती बिल्कुल भी, तो कैसे आगे भी वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, काफी झगड़े होते हैं 4 साल से। थोड़ा सा झगड़े को कम करने के लिए एक काम जरूर कर लिया करिए, जैसा कि मैंने बताया दोनों अपनी राशि बार शिव जी का उपाय जो आज हमने बताया है आपने शो देख रही होंगी उस तरीके से अगर हम दोनों पति पत्नी करते हैं अपनी राशि के हिसाब से तो झगड़े झंझट बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है शहद से भी अभिषेक कर सकती हैं दोनों, आप और आपके पतिदेव दोनों कर सकते हैं, इससे झगड़े झंझट निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपने जैसे टीचिंग जॉब के लिए बोला है, टीचिंग जॉब के लिए नौमुखी एकादश मुखी या रुद्राक्ष आप पहन लीजिएगा तो आपको उसमें भी निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सफलता मिलने के उपाय बताने के बाद निश्चित रूप से आप यदि उसको करती हैं तो आगे आपको लाभ भी होगा ही होगा। तो चलिए अब बात करते हैं उन तमाम दर्शकों की जो घर पर मौजूद हैं, जो नक्षत्र को देख रहे हैं और जिनके अंदर भी तमाम सवाल चल रहे हैं, उनके लिए मेल आईडी हम आपको दे रहे हैं, मेल आईडी पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, गुरुजी से सीधे संपर्क कर सकते हैं bs.nakshatra@gmail.com, इस पर आप अपने सवाल रखिए और आचार्य राजीव शुक्ला जी से सीधे आप संपर्क कर सकते हैं। जो तमाम दर्शक हैं जिनके अंदर तमाम सवाल और जो जुड़ना चाहते हैं नक्षत्र से, व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहे हैं 800-403-6524, इस पर भी आप अपने सवाल रख सकते हैं और आचार्य जी से सीधे संपर्क कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।